ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे, 1993 में ये खुद पैरामेडिकल स्टाफ है, अपने बारे में बताओ संतोष। मैं लेडी हेडिंग में नौकरी करती हूँ दिल्ली। आप मत करो, हाँ ऐसे बताओ। हाँ, मैं दिल्ली लेडी हेडिंग में नौकरी करती हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट हूँ। और मेरे को पूरे होल बॉडी में इरोजन्स हो गए थे, डॉक्टर ने एंडोस्कोपी करी तो उन्होंने बोला आपको पूरा कैंसर हो गया अंदर से। तो फिर मैंने, मेरे को बोला कि आप यहाँ से ट्रीटमेंट लो। मैंने कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ यहीं पतंजलि में हरिद्वार में आके कोई एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं लिया, सिर्फ वही जो दर्दों के लिए मेरे को पेन किलर खिलाते थे बस वही खाती थी। कोई एलोपैथिक का कैंसर के लिए ट्रीटमेंट, और पूरे शरीर में कैंसर, पूरे शरीर में कैंसर था। मैं बहुत परेशान थी, मेरे को सिर्फ यही था कि मेरे को यहाँ तक, मैं एक दिन मैंने अनार खाया तो वो मेरे गले में अटक गया, नीचे ही नहीं जा रहा था। मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो गया यहाँ। लेकिन स्वामी जी, ये तो बहुत बड़े रिस्क की बात है कि बिल्कुल एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक बार कैंसर आ गया। स्वामी जी, क्योंकि दर्शक तो भी हैरान होंगे, आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बात है मीनाक्षी जी, कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, खुद ये जो है असिस्टेंट नर्सिंग जो है सुपरिटेंडेंट है। और कितनी कितनी क्या क्या दवाई क्या के लिए फिर यहाँ से, यहाँ से नीम, तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, ये सब मैंने घर जाके, ये जो आज सबको बताने वाले हैं, ये नीम है, ये तुलसी है, ये एलोवेरा है, ये वीट ग्रास है, ये हल्दी है, ये गिलोय है, ये सब चीजें, ये गोधनार का है। मेरे हस्बैंड ने ये सुबह रात को हम काट के ये घर में ही उगाए हुए थे, 7 गमले, ये इसके क्या गेहूँ का ज्वारा, और फिर एक एक गमले से रोज निकाल के ये ऐसे लगा रखा है। फिर उसका वो सुबह आप जाके ड्यूटी जाने से पहले मैं ये सब करके जाती थी, और मेरे को यहाँ से जो ट्रीटमेंट मिला वो सारी भस्म वगैरह बहुत सारी थी, हीरक भस्म आदि पूरा बताएंगे। फिर क्या हाल अब 93 से अब तक? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है। ये जोरदार तालियां भाई, हाँ इसके लिए, पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है और आज 28 साल हो गए ये जिंदा है। और बीपी, शुगर, सब कुछ इसके साथ साथ मेरे को और बहुत बीमारियां हो गई है, बहुत सफर करा। और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। ये तो खुद एक नर्स है, हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो पहला कौन सी स्टेज में इनका कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इस तरह एलोपैथी दवाई नहीं ली, सीधे आयुर्वेद का सहारा लिया? केवल आयुर्वेद से इसने कैंसर को पूरा जीत लिया और 28 सालों से कोई रिकरेंस नहीं हुआ है, बड़ी बात यह है। अब ये मेरे साथ साथ देखो, सूर्य नमस्कार भी पूरा कर रही है, बड़ी मजबूत है। एक कहावत है, बोले हरियाणा का आदमी जिसके पीछे भी लठ लेके पड़ जाए ना फिर इसका तो आदमियों की बात नहीं, हरियाणा की औरत भी बड़ी कसूती हुआ है। सही बात है, सही बात, विश्वास। तो ये मैंने हिम्मत वाली है, सबसे बड़ी बात है संतोष अरोड़ा, इसने जो एक बहुत बड़ी जिंदगी के अंदर जंग लड़ी है, ये कैंसर वॉरियर है। अब देखो पूरा कर रही है ये मेरे साथ साथ, चल प्राणायाम पूरा करती है। कितनी कितनी देर प्राणायाम किया संतोष? 4 घंटे। 4-4 घंटे प्राणायाम करा। इस बीच में मैंने 3 महीने की छुट्टी ली। हाँ, 3 महीने की छुट्टी ले ली और 4-4 घंटे प्राणायाम किया। जैसे उस दिन मैंने चंडीगढ़ से स्वामी प्यारी का बताया था, ये संतोष भी उसी कैटेगरी में है। और जी स्वामी जी, कैंसर की जंग इसने जीत ली है। हाँ बिल्कुल, अच्छा, कैंसर की जंग जीत ली है स्वामी जी। इन्हें फर्स्ट स्टेज का कैंसर था, इसीलिए इन्होंने आयुर्वेद का सहारा लिया। नहीं 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 जी, जो सुना फर्स्ट स्टेज का नहीं। हाँ, इसको कैंसर जो है पूरे होल अब्डोमन में था, पूरे ऐसे इरोजन से, जैसे ब्लैक ब्लैक से, जैसे फोले से हो जाते हैं ना, वैसे था। और बिल्कुल मेरे को डॉक्टर ने दिखाई रिपोर्ट कि सिस्टर आप एडमिट हो जाओ, तो मैंने कहा मैं एडमिट नहीं होंगी, मेरे को स्वामी जी पे बहुत भरोसा था। मैं फर्स्ट स्टेज में था इसको, चलो रख दो, चलो ताड़ासन करते हैं ना, जिससे जितना बन पाए। देखो अब इसमें मैं अलग अलग योगाभ्यास क्यों बता रहा हूँ, जैसे किसी को बोन कैंसर है, किसी को स्किन कैंसर है,
तो उसको कुछ आसन खड़े होकर के जितने इजीली कर पाए प्राणायाम के साथ, प्राणों के नियंत्रण के साथ कुछ बैठ करके, जिनको पेट का कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर है, किसी को रीढ़ की हड्डी का कैंसर है, उसके लिए अलग अलग तरह के आसन जितने कर पाए, चलो तिर्यक ताड़ासन करो। योग नहीं करते हैं तो क्या हालत होता है? देखो विद्या पास में है। विद्या कब हुआ था तेरे को? सन 2013 में मुझे राइट ब्रेस्ट में कैंसर हुआ था और मेरा राइट ब्रेस्ट रिमूव हो गया था। उसके बाद 5 साल बाद फिर मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में कैंसर आ गया और जो ब्रेस्ट रिमूव हुआ था वहाँ बहुत सारे घाव बन गए हैं, पस निकल रही है और लेफ्ट ब्रेस्ट पत्थर हो गया है। पर आज से 6 महीने पहले डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि तुम 15 दिन या 20 दिन की ही हो, लेकिन मैं 6 महीने से योग प्राणायाम कर रही हूँ तो आज जिंदा हूँ। लेकिन अभी हाँ मैं यहाँ ये पूरी उम्मीद लेकर आई हूँ, पूरे विश्वास के साथ कि स्वामी जी के यहाँ से मैं ठीक होके ही जाऊँगी। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि मर जाएगी तो और अभी मैं पूरी तरह से विश्वास मन में लेकर आई हूँ और 8 घंटा प्राणायाम करूँगी क्योंकि मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगी, मुझे ठीक होके ही जाना है यहाँ से। चलो बहुत आशीर्वाद विद्या। देखो ये एक बात बताई, ये जो है ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे किया। वैसे स्वामी जी हर बीमारी का इलाज योग में ही है। आप सोच रहे होंगे छोटा सा बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने योग से पूरे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड को फिट कर दिया है। तो ऐसे में कैंसर से लड़ने के लिए कौन से ऐसे 10 योगाभ्यास हैं जो हर किसी को करने चाहिए? हाँ वही बता रहे अभी, शुरुआत मैंने कहा था योगिक जोगिंग से की थी हमने आज, सूर्य नमस्कार किया था, जो ये कर पाए कुछ खड़े होकर के आसन कर लें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जो बिल्कुल सरल है, पादहस्तासन, अर्ध उष्ट्रासन, बिल्कुल सिंपल अभ्यास, और बैठ करके अभी हम सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं, ये तो सभी कर लें। इससे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा रहता है। अब 3 बड़ी बातें बोलता हूँ। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। कैंसर सेल उसके शरीर में मर जाते हैं जिसका ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है। तो लंबे लंबे श्वास लें, ऐसे ऐसे करें, ये तो संतोष की बात हुई। संतोष तुम तो नीचे जाओ और तुम इधर आओ बाबू। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। हाँ अनुभव कहाँ से? बनारस से। बनारस से कितनी उम्र है तुम्हारी? 11। कितने? 10 साल का हूँ, 11 चल रहा है। 10 साल के हैं, 11 वहाँ चल रहा है। 10 साल का हूँ, 11 वहाँ चल रहा है। तेरे को कहाँ कैंसर हो गया? मुँह में पता। कैसे हो गया? छोटे से बच्चे को। अब ये छोटा सा बाबू है, इसका बापू है, इसका बापू है, आया है, भैया है तू, इसका भैया आया हुआ, आ जाओ इधर आ जाओ। ये छोटा सा बच्चा है, इसको मुँह में कैंसर हो गया था। एक तो ये गुटखा तम्बाकू खाने से तो होता ही है, वो बहुत भरती है हमारे योग्राम में, आज उनको लेके नहीं आया हूँ। लेकिन इसको मुंह में इधर कैंसर हो गया था। कैसे हुआ था बेटा इसको? कुछ भी खाना खाने के बाद चम्मच लेके उसमें ऐसे करता रहता था। हाँ चलो पैर सामने खोलो। इसको दांत के डॉक्टर के पास ले गए। हाँ। तो उन्होंने एक्सरे कराया तो उन्होंने कहा कुछ बड़ा ट्यूमर है ये। फिर इसकी बायोप्सी हुई, इसको थोड़ा सा काटा तो ये चालू हो गया बढ़ना, और मास इतना बढ़ गया कि ये मास को बाहर तक आ गया। ओह तरफ जी, एक तरफ मास दोनों मिल गया आपस में, इतना बढ़ गया था जी, और उसमें कैंसर निकला जी। अब बताओ फिर इसे कीमोथेरेपी कराई। ये समझ नहीं पाए, अब आवाज उनकी क्लियर नहीं आई थी। आप एक बार फिर से बता दें कि इतने छोटे से बच्चे में मुंह का कैंसर कैसे हुआ? देखो इसको मुंह में दांत में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास ले गए, अंदर गांठ थी, उसको गांठ को फिर उसको चेक किया, जब गांठ कोई भी निकाली उसके बाद उसकी बायोप्सी की तो पता लगा उसमें कैंसर, बाद में इतना बढ़ गया था कि जीभ एक तरफ, जीभ और जीभ जितना ही इधर दूसरा एक और जो है गांठ निकल आई। उसको निकालने के बाद अभी इसको इसलिए लेके आए यहाँ कि अब इसको दोबारा ना बढ़ जाए, अभी इसको पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं यही कह रहा था कि गुटखा खाने से, गोल गोल घुमाओ, गुटखा खाने से, तम्बाकू से, उनसे तो हो जाता है। आपने तो कभी ये गुटखा गुटखा नहीं शुरू किया था ना? कभी कभी छोटे बच्चे भी कर दें काम, बापू तो नहीं कि खाता, नहीं खाता, कोई नहीं खाता है? कोई चोरी छिपे बच्चे खा लेते हो। अब बताओ ये छोटा सा बच्चा, कोई तकलीफ नहीं थी इसको, मुँह में कैंसर हो गया, लेकिन ये हिम्मत वाला है, रोज़ एक एक घंटा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर रहा है। चलो आगे करो ऐसे।
और इसको पूरा ठीक कर देंगे अनुभव को, इसको पूरी दवाई बताने वाले हैं। तो मैं कह रहा था लंबे लंबे श्वास, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, ये बड़े रिकमेंडेशन है कुछ मेडिकल साइंस के। और जब मैंने हरिद्वार से ये बात कही आज से 25 साल पहले, तो जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल है अमेरिका का, उन लोगों ने इसके ऊपर खूब रिसर्च किया कि भाई ये सच में क्या ऑक्सीजन काम करता है। तो उन्होंने कैंसर सेल्स को, उस समय तो हमारे पास फैसिलिटी थी नहीं थी, अब तो हमारे पास भी आ गई है, चलो बटरफ्लाई करो, कि हमने ये रिसर्च किया कि भाई क्या असर होता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया कैंसर सेल्स को, सेल लाइन ट्रायल बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, एक पूरा इन विवो इन विक्ट्रो ह्यूमन ट्रायल, ये पूरा एक साइकिल है ड्रग डिस्कवरी का। तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो कैंसर सेल्स अपने आप मर जाते हैं। इसलिए लंबे लंबे श्वासों के साथ अभ्यास करें। जिनको अब जैसे इसको तो पेट मुंह का कैंसर है, तो इसको तो सिंपल योगा अभ्यास करने है और सर्वांग आसन भी करना है, आता है ना, करो पैर सीधे और अब लेट जाओ और पैर उठाओ दोनों और यहाँ आँख लगाओ, उठाओ, यस, दोनों हाथ पीछे लगा दोनों पीछे, यस, ये आपको करना है, ठीक है, बड़ा अच्छा लड़का है, ऐसे इसको करना है और श्वास लंबे लंबे लेते रहो। एक और टॉपिक स्वामी जी हम ले लेते हैं, ये बच्चा तो बहुत अच्छे से योगा अभ्यास कर रहा है।